दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से वेडिंग एनिवर्सरी विशेस के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी इस 1:1 वाली रेशियो को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर टोटल हम लोग 8 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इन सब में पोजीशन को ऐड करेंगे, तो इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को। अब इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें जूम आउट वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो सारे में ऐड कर लेंगे। एंड इसको 34 सेकंड रख लेंगे। ओके, इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट करेंगे, तो आप 16:9 वाली रेशियो को ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट हुआ उसको इसमें ऐड कर लेते हैं एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको इक्वल रख लेंगे एंड इसकी विग्नेट को ऑन कर लेते हैं एंड अब इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें ब्लर इफेक्ट को ले लेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को पहले ऐड करेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड क्रोमा के वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद जो वीडियो मीडिया में है इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट एज लेयर कर लेंगे एंड इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस पिक्चर वाली वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर रही हूँ, इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको करेंगे ब्लेंड, तो इसको स्क्रीन करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेम की टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ नेम लिख लेते हैं। एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे, इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल रख लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। एंड अब यहाँ पे एक और पिक्चर को मैंने ऐड किया था हार्ट वाली शेप में, तो इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं एंड इसको हार्ट वाली शेप में क्रॉप कर लेंगे एंड फिर से टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस पिक्चर वाली वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। ओके,
एंड इसको नीचे से क्रॉप कर लेते हैं। ओके, इसको भी एंड तक रख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एनिवर्सरी नंबर को ऐड करेंगे, तो फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है एंड आपकी जो एनिवर्सरी होगी वो आप लोग लिख लीजिएगा। एंड इसमें भी फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग टेम्पलेट वीडियो के साउंड को ऑफ कर दीजिएगा एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मजबूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं।